टाइप्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स। इसमें है चैप्टर में कितने तरीके की मेम्ब्रेन्स होती हैं। प्लांट इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लांट में या एनिमल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है
अगर प्रोफेशन में देखिए क्वेश्चन पूछे जाता है प्लांट में, ये जो प्लांट है प्लांट की सेल है बाहर से रिप्रेजेंट होती है, अंदर जो सेल और मिनरल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया इनकी भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, इसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बोला जाता है जो सेल जो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स इनकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, सब क्या है सेल में जिससे कुछ नहीं करेगा वो क्या है इम्परमेबल, कोई चीज मूव नहीं करेगा, इसका एग्जांपल क्या है है, कोई
रखा हुआ है, ये कोई इंफॉर्मेशन है। और ये क्या है सेल, सेल के अंदर क्या होता है, सेल सैप, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसको क्या बोलेंगे, सेल सैप। ये है सेल सैप। अगर आपने सेल को रखा है सॉल्यूशन में, पता लगा है सॉल्यूशन कौन सा है, अगर ये सेल तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कि तैसे बनी हुई है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बराबर है। जितना काढ़ा सॉल्यूशन बाहर है उतना ही काढ़ा सॉल्यूशन सेल के अंदर है। समझ में आ रहा है, जब दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो वाटर कहीं मूव नहीं करेगा, इधर से उधर नहीं जाएगा। तो ये सॉल्यूशन अगर यहाँ से वाटर अंदर नहीं जा रहा है और अंदर से वाटर बाहर नहीं आ रहा, मतलब सेल सेम साइज की बनी है, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, आइसोटोनिक। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये सेल श्रिंक कर जाती है, क्या होगा, सिकुड़ गया सेल, इसका मतलब क्या हुआ, इस सेल से वाटर निकल के बाहर गया होगा, तभी के लिए सेल श्रिंक नहीं होगी। बाहर क्या होगा ना, वाटर यहाँ से वाटर रिलीज हुआ होगा बाहर की साइड में, एक्स ऑफ मसल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, यहाँ पर कौन सा ऑफ मसल हुआ, एक्स ऑफ मसल। ठीक है, वाटर बाहर निकल जाएगा, इस कंडीशन में वाटर सेल से निकल के बाहर जाएगा, जब बाहर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा, गाढ़ा होगा, मतलब वाटर जब अंदर ज्यादा रहेगा बाहर क्या रहेगा, कम रहेगा, तो वाटर अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है। अभी तो यहाँ वाटर ज्यादा था, यहाँ कम, अंदर से वाटर बाहर आया, सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है, और मान लीजिए इस तरीके से ये सेल रखी हुई है नॉर्मल कंडीशन में, और वहाँ अपने सॉल्यूशन रख दिया तुरंत, और ये सेल क्या हो गया, सेल घर में बड़ा रखा, साइड में क्या हो गया, सेल बड़ी। तो सॉल्यू बाहर से वाटर अंदर मूव किया होगा, तभी तो ये सेल क्या होगा, इस पर कर गई, मतलब एंड ऑफ प्रोसेस
वाटर पॉइंट, ठीक, वाटर ज्यादा है तो सॉलिड पॉइंट, समझ रहा है, सॉलिड ज्यादा है वाटर कम होगा, सॉल्यूशन डेंस होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा यहाँ, इसको आप बोलेंगे हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, हाइपोटॉनिक मतलब वाटर ज्यादा है, जो हाइपो हाइपो डिसाइड किया था, डिसाइड किया था किससे, सॉल्यूट से, अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो हाइपर, सॉल्यूट कम है तो हाइपो हो गया, समझना है, इसी कॉलिट का वाटर हो जाएगा, ऑस्मोसिस रिएक्शन होगा, बीटीए ऑस्मोसिस होगी, समझना है, यहाँ से यहाँ वाटर कम करेगा, कब तक वो करेगा, जब तक बराबर नहीं होता, तो ऑस्मोसिस को अगर रोकना है, मान लीजिए ऑस्मोसिस की यहाँ से यहाँ वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है, इसको रोकना है, तो एक प्रेशर लगाना पड़ेगा यहाँ से, इस मीडियम से प्रेशर लगाना पड़ेगा इस मीडियम पर वाटर के मूवमेंट को कम करने के लिए, रोकने के लिए, अब जो कि स्टार्टिंग मान लीजिए वाटर ज़्यादा होगा, देखिए जैसे हम लोग जब फूड खाते हैं जो पेट खाली रहता है तो बहुत तेजी से खाना खाते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते चला जाए खाना स्पीड कम हो जाएगी, शुरुआत में वाटर ज़्यादा है यहाँ पर यहाँ कम है, वाटर बहुत तेजी से मूव करेगा, इसके बाद मूवमेंट की स्पीड क्या हो जाएगी स्लो, समझ रहे, क्योंकि स्टार्टिंग वाटर तेज मूव करेगा, इसलिए अगर आपको ऑस्मोसिस को रोकना है रोकने के लिए इधर से प्रेशर लगाएंगे ना इधर से लगाएंगे, अगर आप इस मेम्ब्रेन के ऊपर इधर से आप प्रेशर लगाएंगे इस डायरेक्शन से प्रेशर लगाएंगे तो ऑस्मोसिस तो बढ़ जाएगा, इधर से लगाएंगे तो ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा, रोकना है तो प्रेशर इधर से अप्लाई करिए, इधर से प्रेशर अप्लाई करिए, तो वाटर का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है तो प्रेशर इधर से लगाएंगे, स्टार्टिंग में वाटर का मूवमेंट तेज हो रहा है तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे वाटर का मूवमेंट बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर सॉरी घटता चला जाएगा लास्ट में स्लो हो जाएगा तो प्रेशर भी कम लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर विच अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, ऐसा प्रेशर जिसको सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कराया जाता है, जिसके लिए टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए इस हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगेगा उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो डेफिनेशन हो गया, अगर जनरल वे में आपको समझना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है तो आप कहेंगे जो सॉल्यूशन जितना ज़्यादा हाइपरटॉनिक होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, मान लीजिए ये ग्रेप्स है, ठीक है, और ये ग्रेप्स कैसा है, ऐसा ही घी रेडियस है, किसमिस है, ये किसमिस है, ये ग्रेप्स अंगूर है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ पर, ग्रेप्स में सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा या लेकिन इसकी जो सेल होगी उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो तो वाटर कम है, वाटर कम है इसका मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है इसकी सेल में, इसमें जो सेल है उसमें सॉल्यूट क्या है, आपको पता है वाटर कम रहेगा सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा, समझ में, बिना सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, हमेशा याद रखिए सॉल्यूट से डिसाइड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन से डिसाइड क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और एग्जाम्पल समझिए प्लांट की लीफ है, ये लीफ प्लांट की है, प्लांट जब दिन के समय ट्रांसपिरेशन होगा धूप पड़ेगा तो प्लांट की लीफ क्या कर जाएगी, मुरझा जाएगी, विल्ट कर जाएगी ना, वाटर लॉस हो गया ना प्लांट की लीफ से, वाटर क्या हो गया, कम हो गया, धूप पड़ने पर प्लांट की पत्तियां मुरझा जाती हैं, वाटर लॉस हो जाता है, पानी कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, अब सॉल्यूट कहीं अलग से नहीं आएगा, आप ये मत कहिएगा पानी कम हो गया तो सॉल्यूट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, सॉल्यूट सेल्स के अंदर इस लीफ में जितना सॉल्यूट जिसमें जो सेल्स होंगे उसमें जितना सॉल्यूट पहले था उतना भी रहेगा, लेकिन वाटर कम हो गया, वाटर सॉल्वेंट कम हो गया, तो आप कहेंगे कि अगर आप रिलेटिव देखेंगे रिलेटिवली कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो देखेंगे तो उस पॉइंट से आपको सॉल्यूट ज़्यादा नजर आएगा, समझ में आ रहा है, तो वाटर क्या हो गया कम, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, हाई हो जाएगा वेटिंग ट्यूब के समय, तो बस इतना याद रखना है कि कहीं अगर वाटर कम हो गया, कहीं वाटर कम हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, वाटर कम हुआ इसका मतलब सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट ज़्यादा हो गया इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, समझिए,
बढ़ने से क्या चीज बढ़ रही है, तो अगर सॉल्यूट बढ़ेगा तो घटेगा, सॉल्यूट बढ़ेगा ये बढ़ेगा। ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसकी प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि सॉल्वेंट रोल प्ले करता है लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है, सॉल्यूट का। ये क्वेश्चन आता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट, लिख लीजिएगा और उस पर टिक कर लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है। क्योंकि आपको बताया सॉल्यूट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक। हालांकि इसका भी रूल है लेकिन डायरेक्टली रेशियो इससे है, डायरेक्टली उसके इसके है सॉल्यूट, इसके सॉल्यूट की प्रॉपर्टी। डेफिनेशन जो अभी हमने आपको बोला था ये बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, कहीं देखी हुई है, ठीक। इसी तरीके से देखिए, FeCl2
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटता है लेकिन वो आयंस नहीं है, ठीक है, आयंस भी टूटना चाहिए। ये क्या है, एन सी एल टूट जाएगा, यानी प्लस सी एल, तो यहाँ कितना आयन पड़ेगा, कार्य करेगा, यहाँ तीन आयन मिलेगा, यहाँ चार मिलेगा, और सी सी एल फोर रख देंगे तो पाँच हो जाएगा, वहाँ जाता है इसलिए और मल्टीप्लिकेशन इसका ज़्यादा है, ठीक है, इसका ज़्यादा है। अब देखिए ऑटोमेटिक प्रेशर जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, कॉलिगेटिव जानते हैं, ये देख लीजिएगा ऑटोमेटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जिसमें सॉल्यूट का नंबर काउंट किया जाता है, सॉल्यूट का नंबर काउंट किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को सॉल्यूशन, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि लिया ये प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, नंबर के लिए इसको बोलते हैं टर्बुलेंट प्रेशर, सॉल्यूशन सॉल्वेंट द्वारा सेल पर प्रेशर, हां किसी भी सेल में, ये सेल है इसका कोई सॉल्वेंट अंदर है, जिसके सॉल्वेंट के थ्रू जो सेल वॉल पर जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट प्रेशर, और प्रेशर कौन ले आएगा, वाटर ही क्रिएट कराएगा, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्वेंट क्या है, वाटर होता है, समझ में आया, तो डेफिनेशन देखिए, प्रेशर exerted by cell wall के ऊपर solvent के थ्रू जो cell wall पर प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट प्रेशर, जितना प्रेशर ये लगाएगा solvent उतना ही cell wall, जितनी प्लांट में cell wall होती है तो सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर लगाएगी, जानते हैं रिएक्शन रिएक्शन, सेल यहाँ जो वाटर जितना प्रेशर सेल वॉल पर लगाएगा तो सेल अपने आप को स्टेबल रखने के लिए सेल वॉल क्या करेगा, उतना ही प्रेशर अंदर लगाएगा, इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर, तो ट्रिगर प्रेशर किसके बराबर होता है, वॉल प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू पी, ये वॉल प्रेशर है, ये मान लीजिए सेल है, सेल सोयल कंडीशन में है, फूली हुई है, सेल क्या है देखिए सोयल है, ठीक, टर्बुलेंट प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है, सोयल है तो हाई रहेगा टर्बुलेंट प्रेशर, और सेल अगर फ्लैसिड है टर्बुलेंट प्रेशर क्या रहेगा, देखिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, फ्लैसिड प्लाज्मो जो जैसे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ये तो प्लाज्मोलाइज्ड है, सुनिए ये, हाँ ठीक है समझ रहे हैं, प्लाज्मो बन गया, जैसे सेल से वाटर अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस लॉस हो जाएगा तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, ठीक है, फ्लैसिड क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं लॉस किया है, नॉर्मल सेल से थोड़ा सा कम वाटर लॉस किया, अगर ज़्यादा वाटर लॉस कर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, ठीक, यहाँ फ्लैसिड सेल में ब्लड प्रेशर जीरो रहेगा, क्या रहेगा, जीरो टर्बुलेंट प्रेशर,
और प्लाज्मोलाइज सेल में टेम्परेचर क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ये चीज है। ठीक है, इसके बाद yeah,
जनरेशन ऑफ फील्ड, फील्ड का जनरेशन इंजीनियरिंग से और भी एडवांटेज का कहाँ पर यूज होता है। हाँ, अगर किसी गुड को आपने पानी में रख दिया है तो क्या है, तो क्या है एडमिशन पहली बात। हो गया एडमिशन, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। कहीं कहीं वर्ड एडजॉर्प्शन लिखा हूँ, इसके आर्टिकल एडजॉर्प्शन लिखा है, ये एडजॉर्प्शन वर्ड ये एडमिशन कर दे।
जाएगा, ठीक है, किससे मूव करेगा, ऑस्मोसिस, या फिर डिफ्यूजन भी है क्योंकि ऑस्मोसिस आपसे बार डिफ्यूजन डिफ्यूजन ही तो है, तो आप डिफ्यूजन कहिए, ठीक है, ऑस्मोसिस हुआ और किस प्रोसेस से जाएगा, अगर स्मॉल डिस्टेंस छोटे डिस्टेंस पर वाटर मूव करना है, स्मॉल कम दूरी तक अगर वाटर मूव करना है तो किससे जाएगा, ऑस्मोसिस से जाएगा डिफ्यूजन से, और वाटर काफ़ी लंबी दूरी तय करना है वाटर को तो किससे जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल या रूट प्रेशर, तो इसमें पूरे में यही सब है। ट्रांसपिरेशन पुल को क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और रूट प्रेशर क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक वर्ड यूज किया गया है मास और बल्क फ्लो, क्या होता है, डार्क कलर से लिखा हुआ देखिए, मूवमेंट पेज नंबर 183, मास और बल्क फ्लो लिखा हुआ है, क्या है ये, अधिक मात्रा में किसी चीज का मूवमेंट होना, जैसे जाइलम के थ्रू वाटर मूव करेगा तो बहुत ज्यादा वाटर जाएगा, ठीक है, फ्लोएम के थ्रू फ्लो मूव करेगा ज्यादा अमाउंट में फ्लो मूव करेगा, ये क्या है मास और बल्क फ्लो, मास कंटी फॉर्म है इसका मूवमेंट, प्लांट की बॉडी में फूड कहाँ स्टोर होता है, हाँ फूड का स्टोरेज पार्ट क्या होता है, रूट है, स्टेम है और फ्रूट्स हैं, लीफ में फूड स्टोर नहीं होता, स्टोर नहीं होता है, जैसे लीफ को अपना मेटाबॉलिक फंक्शन चलाना है, रेस्पिरेशन करना है, तो जो फूड बनता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, स्टोरेज नहीं होता फूड का, अगर होता तो बहुत लिमिटेड, ज़्यादा अमाउंट में स्टोरेज कहाँ होता है, स्टेम में या फ्रूट में, जाइलम के थ्रू, जाइलम के थ्रू फ्रूट, जैसे इसमें थोड़ा सा कहीं मिलेगा इसलिए बता रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आता है, जाइलम के थ्रू फ्लोएम के थ्रू जब फूड मूव करेगा तो किस फॉर्म में मूव, कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनेगा, सुक्रोज की फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होगा और स्टार्च की फॉर्म में फूड हो जाएगा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन फूड है या रूट प्रेशर है या ट्रांसपोर्टेशन है या जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्यों जरूरी है, प्लांट की बॉडी में क्या ऑस्मोसिस से काम नहीं चल सकता है, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, जैसे मान लीजिए प्लांट है इसमें जाइलम क्यों लगा हुआ, तो अगर जाइलम ना लगा हो तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि जाइलम से एक जाइलम नहीं होगा तो वाटर मूवमेंट का तरीका क्या हुआ, ऑस्मोसिस बचा, भाई जाइलम से इकट्ठा वाटर चढ़ता है, अगर नहीं होगा तो वाटर धीरे धीरे जाएगा, जिस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन, तो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन से वाटर एक सेल से दूसरी सेल में दूसरी सेल में मूव करता रहेगा, प्लांट की बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल होती हैं, कई साल लग जाएंगे पानी को जमीन से टॉप तक चढ़ाने में, सेवरल ईयर्स का समय लगेगा, ठीक है, इसीलिए जाइलम की नीड पड़ती है, प्लांट बॉडी में जाइलम इसीलिए होता है कि वाटर का मूवमेंट फास्ट, ये यहाँ लिखा हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट बॉडी में रूट्स के थ्रू कितने तरीके से होता है,
कितने तरीके से प्लांट के रूट पार्ट को ट्रांसफॉर्म करा दो तरीके से दो बात में है का एक क्रॉस सेक्शन है एनाटॉमी पढ़ने है ना जब ये मान लीजिए रूट है इसको आप क्रॉस सेक्शन काटेंगे इस तरीके से फिर इधर से देखेंगे तो एक डायग्राम ऐसा नजर आएगा देखिए ये एक कट पार्ट है यहाँ ये रूट का क्रॉस सेक्शन है ये तो हिस्सा दिया गया इतना ऐसा बनाया है इतना पार्ट पूरा नहीं बनाया गया सर तो पूरा नहीं किया गया ठीक है ये रूट क्लियर हो गया क्या है ये रूट क्लियर ये है एपिडर्मिस क्या है कॉर्टेक्स ये क्या है एंडोडर्मिस ये क्या है जाइलम समझ में आया तो दो तरीके हैं वो क्लास पाथ पे क्या है वो क्लास पाथ पे है इस पाथ पे वाटर मूवमेंट करेगा इंटर सेलुलर स्पेस से होके जाएगा किससे जाएगा ये होता ना किससे जाएगा सेल वॉल इंटर सेलुलर स्पेस सेल वॉल को टच करता हुआ जाएगा और और फिर क्लास में किससे जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म से यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लांट की बॉडी में रूट से वाटर सॉइल है ये रूट है वाटर सॉइल से जब रूट में जाएगा तो दो तरीके हैं वाटर के मूवमेंट के दो तरीके से वाटर मूव कर सकता है ठीक है एकोप्लास्ट को आप देखिए यहाँ पर ये सॉइल है और ये क्या है यहाँ पर वाटर है तो वाटर यहाँ पर देखिए अगर वाटर मूव करने के कितने तरीके दो ये सेल मेम्ब्रेन क्या है रूट हेयर क्या है ये रूट हेयर रूट हेयर में चूंकि बाहर से रूट हेयर क्या एक सेल है पता है रूट हेयर क्या है एक सेल होती है तो सेल है तो बाहर क्या होगा सेल मेम्ब्रेन होगा उसके बाहर क्या होगा सेल वॉल होगा सबसे बाहर सेल वॉल है हेयर में दी सेल वॉल है इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है तो सबसे पहले वाटर किसके कॉन्टेक्ट में आएगा सेल वॉल के कॉन्टेक्ट में आएगा ना सबसे पहले सेल वॉल के कॉन्टेक्ट में आएगा और सेल अगर वो वाटर सेल वॉल को टच करता हुआ निकल गया अंदर नहीं मूव किया सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं इंटर किया सेल वॉल को टच करता हुआ वाटर निकल गया इस तरीके से एब्जॉर्ब ये देखिए इंहिबिशन है ये इंहिबिशन हो रहा है सेल सेल वॉल से वाटर क्या हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है तो इंहिबिशन है यहाँ पर वाटर ने एब्जॉर्ब होता हुआ इसके बाद में दो ये दो सेल है इनके बीच में जंक्शन है इसको क्या बोलते हैं मिडिल लैमेला बोला जाता है दो सेल के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं मिडिल लैमेला और यहाँ पर क्या है ये सेल वॉल क्रॉस कर देंगे सेल वॉल क्रॉस नहीं हो रही सेल वॉल से होता हुआ वाटर जा रहा है साइटोप्लाज्म क्रॉस नहीं कर रहा अगर वाटर यहाँ से होके जाएगा यहाँ से वाटर मूव करेगा तो सेम क्लास हो जाएगा ये इसने साइटोप्लाज्म क्रॉस नहीं किया दो सेल के बीच में जो कॉन्टेक्ट है तो
बन दो सेल जब आपस में जुड़ती हैं तो दोनों के बीच में भी जो सेल सेल वॉल पे रहती है दो सेल आपस में जुड़ रही है ना, मान लीजिए कि एक सेल भी है एक सेल को आपने नीचे ये जोड़ दिया, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है इसमें भी तो सेल क्या होगा सेल वॉल होगा नहीं होगा, इसका सेल वॉल इसका सेल वॉल यहाँ पर भी तो सेल वॉल ही तो है। यस सर। तो यहाँ सेल वॉल से होता हुआ आया, इसके बाद दो सेल के बीच में जो कनेक्शन है उसमें भी सेल वॉल है, सेल वॉल से होता हुआ निकल गया और आगे के बीच में जो जगह है इंटर सेलुलर स्पेस दो सेल के बीच में जगह जो है सेल से बीच में स्पेस है, इस स्पेस से होता हुआ यहाँ तक आया, किसी भी क्लास से जुड़ा सकता किसी भी स्पेस से, जो खाली जगह है कॉर्टेक्स की जो सेल्स है उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या इंटर सेलुलर स्पेस, इस स्पेस से होता हुआ वाटर कहाँ चला गया इंडोडर्मिस तक चला गया। एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस में जो एक होता है कैस्पेरियन स्किन, एंडोडर्मिस की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो हाँ उसमें कैस्पेरियन स्किन लगी होती है और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप कहीं कहीं नहीं होती, कुछ प्लेस पे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होती है, उस सेल को क्या बोलते हैं जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता है पासिस सेल्स, क्या बोलते हैं पासिस सेल्स बोला जाता है, ठीक है, मतलब एंडोडर्मिस की वो सेल जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होती है उसको पासिस सेल बोलते हैं, पासिस सेल को बोलते हैं जो कि किसी चीज को पास कराएंगे, क्या पास कराएंगे वाटर पास कराएंगे पासिस सेल्स, वाटर यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ से वाटर ये खाली अभी प्लास्ट बता रहे हैं आपको, अब प्लास्ट में वाटर सेल वॉल से होता हुआ जा सकता है और इंटर सेलुलर स्पेस से भी जा सकता है यहाँ पर, इसके बाद में वाटर जो क्रॉस करेगा वो ये जो एंडोडर्मिस है एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप है, देखिए एंडोडर्मिस में वाटर को पड़ता है केवल एक ही रास्ते से मूव करता है सेम ब्लास्ट से, केवल एक ही तरीका है वाटर को, ध्यान सुनिएगा ये क्वेश्चन आता है कि एंडोडर्मिस से वाटर जब मूव करेगा तो दोनों में से कौन सा पाथवे से वाटर जाएगा, सेम ब्लास्ट से जाएगा क्योंकि वाटर कभी भी सेल वॉल को टच नहीं करेगा, देखिए यहाँ सेल वॉल है तो सेल वॉल से वाटर नहीं जाएगा और स्पेस तो है ही ये पूरी सेल ये जो लेयर है ये कहीं स्पेस है कोई स्पेस नहीं है ना, तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी होती है वो स्ट्रिप एक्चुअली यहाँ तक पहुंची है, देखिए यहाँ तक इस स्ट्रिप तक पूरी ये स्ट्रिप यहाँ तक है, तो कोई चांस ही नहीं होता है कि वाटर सेल वॉल से क्रॉस कर जाए, आप कहीं भी वाटर जो है इससे भी तो जा सकता है, जैसे यहाँ से आया तो देखिए यहाँ से वाटर अंदर गया तो ये दो सेल के बीच में जो कनेक्शन है इस कनेक्शन से होता हुआ वाटर चला गया था, लेकिन यहाँ इस कनेक्शन से नहीं जाएगा दो सेल के बीच में एंडोडर्मिस के सेल से बीच में जो कनेक्शन है इससे नहीं जाएगा वाटर, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ तक लगी है और ये स्ट्रिप वाटर को रोकती है अंदर जाने से, वाटर अंदर नहीं जाएगा जहाँ तक ये स्ट्रिप लगा रहेगा, तो स्ट्रिप यहाँ तक लगी जाती है सेल वॉल के लास्ट पॉइंट तक, तो सेल वॉल को क्रॉस करके वाटर नहीं जा पाता है, तो तरीका क्या बचा सेल के साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके वाटर फिर वाटर जब यहाँ पहुँचता है तो आगे किसके कॉन्टेक्ट में आता है बताइए, सीधे जाइलम, ये जाइलम यहाँ लगा हुआ है इसी के सामने होता है, क्योंकि जाइलम के सामने ही पेरिसाइट सेल्स होते हैं उसके नीचे पेरिसाइट, तो एक्टोप्लाज्म में देखिए इसमें जो क्वेश्चन अराइज होता है कि वाटर किसके थ्रू मूव करेगा, तो वाटर मूव थ्रू द सेल वॉल एंड इंटर सेलुलर स्पेस, ये क्वेश्चन ये आता है, सेम ब्लास्ट पाथवे क्या होता है दूसरा बता रहे हैं, इसमें वाटर जो मूव करेगा एक तरीका और है वाटर मूव करने का, तो वाटर जो है क्योंकि हमने आपको बताया जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमिशन होती है, क्या होती है फ्रीली परमिशन, वाटर क्या इनहिबिशन प्रोसेस से सेल वॉल को टच करके जा सकता है, इनहिबिशन प्रोसेस चला गया और सेल वॉल को टच करके जा सकता है, दूसरा ऑप्शन वाटर जाने का क्या है, एक रूट हेयर तो होता नहीं है कि प्लांट में रूट में एक ही रूट हेयर होता है, ढेर सारे रूट हेयर होते हैं, मैंने एक बनाया और भी होते हैं, तो इस तरीके से दूसरा जो प्रोसेस है वाटर मूव बाई क्रॉसिंग द सेल वॉल, ये सेल वॉल को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में वाटर आया, फिर इसके बाद में वाटर यहाँ गया, देखिए साइटोप्लाज्म है सेल वॉल, यहाँ से सेल के साइटोप्लाज्म में जाना है, सेल वॉल को क्रॉस करेगा साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, मतलब जैसे एक सेल ये है एक सेल ये है यहाँ दो सेल है, वाटर यहाँ से आया इस सेल को क्रॉस किया सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आया, फिर इसकी सेल वॉल को क्रॉस करके इसके साइटोप्लाज्म में आया, इसके साइटोप्लाज्म
वाटर मूव्स किससे कर रहा है? बाय क्रॉसिंग द सेल साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता हुआ वाटर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पहुंचेगा वाटर, इसके सामने जो सेल रहेगा उसके सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, आगे चला जाएगा, इसे सेल कॉन्टेक्ट में। यहाँ थोड़ा सा स्पेस ज्यादा बन गया, सेल क्या रहती है कॉन्टेक्ट है ना, थोड़ा सा बीच में स्पेस रहता है खाली, डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेम प्लास्ट पार्ट। इसमें से दूसरा क्वेश्चन आता है कौन सा फास्ट होता है, ये वाला ज्यादा तेज होता है, ये स्लो होता है। तेज क्यों होता है? क्योंकि जब खाली जगह मिलेगा तो वाटर तेजी से भागेगा, और जब सेल के साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके जाना होगा तो टाइम लगेगा, डिफ्यूजन में टाइम लगता है और सब में टाइम लगता है उस प्रोसेस में। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि एंडोडर्मिस से वाटर का मूवमेंट किस प्रोसेस से होता है। कितना टाइम हो रहा है? 4 बजे जाना है क्वेश्चन। किसी ने वीडियो देखा था तो मैंने ये नहीं है शायद ये वाला चैप्टर आगे चैप्टर आगे।